यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जनक्रांति रथ यात्रा कुरुक्षेत्र के बीड़ अमीन गांव पहुंची। इस दौरान पूर्व सीएम हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। हुड्डा ने कहा कि हमारी सरकार में जो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय और निवेश में नंबर वन था, वो अब गैंगरेप में नंबर वन बन गया है। हुड्डा ने वादा करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पहली कलम से ही बुजुर्गों की पेंशन को 3,000 रुपए करेंगे और कर्मचारियों को पंजाब से बेहतर वेतनमान दिया जाएगा। इस दौरान पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा भी उनके साथ मौजूद थे। मेरे सब किसान भाई यहाँ खड़े, 10 साल हमारी सरकार रही, एक आदमी बता दो किसान भाई की उसकी जमीन नीलाम हुई हो, एक आदमी के खिलाफ नोटिस में फोटो के समय छपा हो। आज मेरे को तकलीफ होती है, रोज अखबार में देखता हूँ फोटो और ये लिखा होता है इस किसान की जमीन नीलाम होगी। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हरियाणा में हम किसी किसान की जमीन नीलाम नहीं होने देंगे। या तो उसको भाव दो, उसको कर्जे की जरूरत ना पड़े, जैसे हमने पहले किया। यूपी सरकार थी, कर्जा माफ किया हमने 72,000 करोड़ का, केंद्र सरकार ने 2,500 करोड़ का हमने हरियाणा में कर्जा माफ किया, गरीब आदमी का किया, दलित का किया, बैकवर्ड का किया। और भाई एक दूसरा वर्ग हमारा बुजुर्ग है, जहाँ जाता हूँ यही शिकायत मिलती है, कभी कहते हमारे को पेंशन मिलती नहीं, कोई कहेगा हमारे को काट दी। इस प्रकार से हर वर्ग दुखी है। कर्मचारी को देखा, आज 30,000 कर्मचारियों ने गिरफ्तारी दी है, अपने आप में सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। 10 साल मैं भी रहा, कभी 30,000 कर्मचारियों ने गिरफ्तारी नहीं, हर वर्ग परेशान है। तो सवाल एक बात है, ये तो आप सबसे मन चुके, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं भी इस बात से सहमत हूँ और सभी सहमत है कि भाई जो या देखे, अब सब वर्ग खड़े हैं, किसान भी हैं और वर्ग के भी भाई खड़े हैं यहाँ। मैं सवाल पूछ लेता हूँ भाई, कोई व्यक्ति कोई भाई इस सरकार से संतुष्ट है कोई वर्ग? मेरा जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ भाई। पहला काम मैं सरकार आएगी जब करूँगा, अपने बुजुर्गों की पेंशन 3,000 से शुरू करूँगा। दूसरा, किसान का बेटा हूँ, मजदूर का बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ। दूसरा, किसान गलत नीतियों से किसान कर्जे में दाब दिया इन्होंने, गरीब आदमी दलित बैकवर्ड कर्जे में दाब दिया है, पहले कितना भाई उनका कर्जा माफ करें और उसको भाव उसका जिन्स का भाव किसी का चाहे हो। ये यहाँ पे मैं गया, एक साल पहले आया था, सूरजमुखी आई हुई थी, सूरजमुखी मगर भाई सूरजमुखी खरीद कर रहे हैं, बस खरीद रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं 1 किलो मतलब इतने क्विंटल लेंगे, बाकी सिर्फ ले जाएगा किसान, खा ले जाएगा भाई, पैसा नहीं होने देंगे। एमएसपी से एक एक दाना खरीदा जाएगा और सब फसलों की एमएसपी होगी, देखो तमाशा हम ला रखे हैं। गैंगरेप में आज नंबर वन है हरियाणा, क्योंकि कानून व्यवस्था आम की चीज ही नहीं है। सरकार को ऐसा प्रतीत होता है सरकार है ही नहीं, खुला है, बदमाश और गुंडे छाती तान के चलते हैं और शरीफ आदमी अपनी इज्जत बताते फिरते हैं। ये आपके सामने एक दूसरा है, जो कुलदीप शर्मा जी कह रहे थे इन नेलो वाले हैं, ये मिली भगत, इनकी मिली हुई लड़ाई है, देखा पीछे आपने देखा मिली लड़ाई कैसे है, कहा मैं जेल भरूंगा SYL खोदने के लाने के लिए। अरे सबको मालूम है SYL का विलंब तुम्हारी वजह से हुआ है, राजीव लोंगवाल समझौता आधार है उसका, कोर्ट ने फैसला किया है, 90% काम पंजाब में हो गया था, न्याय युद्ध के नाम से तुमने चलाया था, इन्हें लोग चलाया था जब ये काम रुका, उसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेवार हो, तुम क्यों नकली बात करते हो और कह रहे जेल भरेंगे? या आपने ऐसा देखा है हिंदुस्तान में क्या, दुनिया में कहीं? इनकी जो है मिली भगत देखी, नकली गिरफ्तारी है, नकली रिहाई, अरे वही जेल वही बेल,